हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। और आज है हमारी जो 6 अगस्त और आज तक की करंट अफेयर प्लस स्टेटिक जीके को देखेंगे। भाई देखो, छोटी वीडियो है, अच्छे से देखना है। तो इसमें देखो, करंट अफेयर बिहार की है ये, और ये बीपीएससी कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी कवर करेगा, कुछ स्टेटिक क्वेश्चन भी हैं। तो एक पॉलिटी, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, एक साइंस का, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंस है, सब देख सकते हैं। तो और भाई देखो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बिहार मुजफ्फरपुर किस विरासत को यूनेस्को में जो शामिल किया गया, ए हमारा रोहतास किला को, बी हमारा जो साइक्लोपीडिया को, सी हमारा खगोलीय वेदशाला को, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें खगोलीय वेदशाला इज द करेक्ट आंसर है। तो खगोलीय जो है, खगोलीय वेदशाला मुजफ्फरपुर हाल में दुनिया की जो महत्वपूर्ण जो तो लुप्त प्राय विरासत वेदशालाओं की यूनेस्को में सूची में शामिल किया गया। वेदशाला जो 1916 में स्थापित की गई थी। देखो भाई, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ऑल पे क्लिक करके रखो, सो जो लाल सा बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक कर दो, वो ब्लैक हो जाएगा, बस ये काम करना है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के पटना में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस राज्य में राज्यपाल को जो पुस्तक विमोचन किया है, ए हमारा असम, बी हमारा सिक्किम, सी हमारा नागालैंड और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो सिक्किम इज द करेक्ट आंसर है। तो सिक्किम के राज्यपाल जो गंगा प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक को जो भाजपा राष्ट्रीय जो अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विमोचन किया है। तो देखो, ये बिहार का मैप है, देखो सभी जिलों को कवर करेगा, खासकर बीपीएससी को इससे अच्छे से देखना है कि जो बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। तो ये भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, पटना हो गया, वैशाली हो गया, शरण हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके जैसे मधुबनी टैंकी जो मधुबनी का जो GI टैग है तो बार बार पूछा जाता है जो, और जो जम्मू आई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर। तो नेक्स्ट है, शिवरात्रि मेले के लिए प्रसिद्ध जो सिंहेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है, ए हमारा सुपौल में, बी हमारा जो मधेपुरा में, सी हमारा कटिहार में, डी हमारा जो पूर्णिया में, ई हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये हमारा मधेपुरा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य प्रशासन का जो वैधानिक जो प्रधान कौन होता है, ए हमारा मुख्यमंत्री, बी हमारा राज्यपाल, सी हमारा मुख्यमंत्री जो मंत्री होता है, सी एम, डी हमारा जो विधानसभा अध्यक्ष, और ई हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसमें जो राज्यपाल इज द करेक्ट आंसर है। भाई देखो किस तरह क्वेश्चन है, देख सकते हैं, देखो ये देखो पॉलिटी आ गई है। राज्यसभा के सदस्य जो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ए हमारा 4 वर्ष के लिए, बी हमारा जो 5 वर्ष के लिए, सी हमारा 6 वर्ष के लिए, और डी हमारा आजीवन, और यू ई हमारे उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये हमारा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। देखो इस क्लास की यही खूबसूरती है, देखो सारी जो छोटी सी क्लास में सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। कौन सा जो राज्य सबसे अधिक जो प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो ए हमारा बिहार, बी हमारा जो मध्य प्रदेश, सी हमारा जो पश्चिम बंगाल, डी हमारा जो उत्तर प्रदेश, और ये हमारे उपयुक्त में से कोई नहीं, और ये एक से अधिक। तो इसमें हमारा जो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर है। और कौन सा राज्य सबसे अधिक जो प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो उत्तर प्रदेश हो ही गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्जो सर्वाधिक जो घना होता है, तो ये देखो ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। तेल, दूध जो, डी हमारा पानी, पेट्रोल, और ई हमारे उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें जो तेल सबसे ज़्यादा घना होता है। और देखो भाई, ये छोटी क्लास थी, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। और देखो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का सबका नंबर दिया हुआ है, और वहाँ से ऐप जो ग्रुप से ऐड हो सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।